देख राधा, तुझे घर का सारा काम आता है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तू पढ़ी लिखी कम है, और तेरी छोटी बहन की तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। कैसी बात कर रही है माँ जी? सारी बात करके ही तो पापा ने शादी की थी, अब जब छोटी की सरकारी नौकरी लग गई है तो आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ज्यादा बकबक मत करियो। हम लोगों को पता होता कि तेरी छोटी बहन की सरकारी नौकरी लगने वाली है तो तुझसे तो कभी शादी ना करवाते अपने होनहार बेटे की। अरे तुम मुझ में क्या कमी है? वैसे भी आप लोगों ने तो उस वक्त कहा था कि आप लोगों को घरेलू लड़की चाहिए। तभी पति महेश आ जाता है। देख राधा, सौ की सीधी एक बात बता देता हूँ, तू जाओ और अपनी बहन को बोल कि उसे यहाँ रहकर अपनी कमाई हम लोगों को देनी होगी जब तक हमारे सारे कर्जे उतर नहीं जाते, नहीं तो तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मायके। राधा पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। दिमाग है भी क्या आप लोगों के पास? क्या बोले जा रहे हैं? साली को घर पर रखेंगे? अरे मोहल्ला समाज क्या कहेगा? और माना पिताजी को उसके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी कमाई आप लोगों को क्यों देगी? अरे क्योंकि हम लोगों के ऊपर कर्जे हैं, समझी? या तो तू कमा कर ला, या अपनी बहन को बोल कि अपनी बहन का घर बचाना चाहती है तो यहाँ आकर रहे। सभी मिलकर राधा को घर से निकाल देते हैं। राधा भी कहाँ जाती, मायके जाकर रोने लगती है। छोटी बहन मीना कहती है, अरे क्या हो गया दीदी, कितना पैसा मांग रहे हैं? अरे अभी दे देते हैं ना, रो मत, अब तो मेरी भी नौकरी है। लेकिन राधा तो रोए ही जा रही थी। नहीं नहीं, इस बार लगता है उन लालची लोगों ने कुछ और ही डिमांड रखी है, वरना राधा इतना ना रोती। क्यों बेटी, क्या हुआ है? माँ पिताजी, इस बार जो उन लोगों ने मांगा है ना, वो सुनकर तो आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या मांगा है दीदी? तुझे तुझे मांगा है। What? What nonsense? दीदी क्या बोल रही हो, समझ रही हो? मेरी सास ये बोलकर भेजी है कि या तो मीना अपनी सारी कमाई उन लोगों को तब तक दे जब तक उन लोगों के घर से खत्म नहीं हो जाते, या फिर मैं मायके में जाकर रहूं यहाँ। क्या मजाक बना रखा है, ऐसा होता है क्या कहीं? अरे शादी की है, कोई आलू टमाटर थोड़ी है कि अदला बदली कर लो। छोटी बहन शांत होती है। माँ पिता बड़ी को समझा रहे होते हैं और वो रोए ही जा रही थी। तभी छोटी बोलती है, पापा मैं दीदी के साथ जाऊंगी। क्या पागल है क्या? अरे दुनिया क्या बोलेगी। माँ वो लोग सिर्फ मेरे पैसे चाहते हैं ना। अरे वो तो वो लोग यहाँ से भी ले सकते थे छोटी, फिर वहाँ क्यों बुला रहे हैं तुझे? माँ वो कह रहे थे कि हमें पता होता कि छोटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसी से करवा देते उनके होनहार बेटे की शादी। हाँ और मैं जैसे उस लपड़गंजू से शादी कर लेती। लपड़गंजू? अगर वो लपड़गंजू है तो मेरी शादी क्यों करवा दी? मैं नहीं जाने वाली वापस। अरे क्योंकि तू बेवकूफ है, तुझे जवाब देना नहीं आता। चल मेरे साथ, उन लोगों को लगता है ना साली पूरी घरवाली, तो अब देखिए साली का जलवा। और शादीशुदा बेटी को पिता भी कितना घर बिठाते, उसके ससुराल जाते हैं दोनों बेटियों के साथ। आइए आइए, ले आए अपने कमाओ बेटी, ये अच्छा किया, समझदार आदमी की पहचान यही तो होती है। मुझसे बात करिए ना, मैं रहने आ रही हूँ इस घर में तो मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। अरे वाह जी वाह, बहन के ससुराल में भी शर्तें? अरे और क्या, आप लोगों को मेरे पैसे चाहिए, दीदी घर का काम करेगी, इतना सब मिल रहा है। वैसे आप तो जानती हैं, बाजार में बिना शर्तों के तो एक पॉलिसी भी नहीं मिलती है। बात तो ये सही बोल रही है, सरकारी नौकरी वाली लड़कियां ऐसा नहीं मिलती। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बोलो छोटी बहू, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मैं कोई काम नहीं करूंगी। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू,
तुम नौकरी करोगी, अरे लाखों कमाओगी कि घर का काम करोगी? घर के कामों के लिए है ना ये बड़ी। दूसरी शर्त, मुझसे कोई बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? तुम तो ख्वाबों की रानी हो। शट अप जीजा जी, साली से मजाक करना अलग बात है, लेकिन याद रहे साली बहन होती है बीवी की, और बीवी की बहन यानी आपकी बहन। माँ ये क्या बोल रही है बहन? अरे ना बेटा, मैं हूँ ना, बात करती हूँ ना, रो मत बच्चा, रो मत। खैर, पिता दोनों बेटियों को छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह, अरे सरला जल्दी से मेरा और तुम्हारी बहन का खाना पैक कर दो, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सरला तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। देखो जी, मेरी बहन पैसे कमा रही है तो मैं क्यों काम करूं? याद है ना मम्मी जी क्या बोलती थी कि मेरा बेटा पैसा कमा रहा है तब सारा काम मैं करती थी, अब मेरी बहन कमा रही है तो मैं भी काम नहीं करूंगी। हाँ अरे साली साहिबा, चलिए ना मैं आपको दफ्तर छोड़ देता हूँ, क्या रेपुटेशन बनेगी हमारी। हाँ हाँ जीजा जी, चलिए आज आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। छोटी के ऑफिस में, अरे ये कौन है? तेरे जीजा जी है ना, ये कैसे तुझे छोड़ने आ गए? अरे वो अब ना मेरे पास ही रहती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। हाँ वो क्या है ना, दीदी तो पता है घरेलू महिला है, जीजा जी के कर्जे ज्यादा हैं और पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि कुछ अच्छी कमाई कर पाए, तो मेरी कमाई रखते हैं। बस जैसे ही इन लोगों का कर्जा खत्म हो जाएगा मैं अपने घर चली जाऊंगी। पास खड़े जीजा जी का मुंह बन जाता है। घर आकर, छोटी तुम ये क्या बकवास कर रही थी, ये सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, आप खुले आम सबको ये कहे कि साली आजकल मेरे साथ रहती है तो लोग क्या सोचेंगे, आप जानते हैं ना। अरे उससे कुछ मत बोलना बेटा, चल मेरे साथ, तुझे ना बाजार का डोसा खिलाती हूँ, चल चल चल। हाँ दीदी तैयार हो जाओ, डोसा खिला रही हैं आंटी जी। तीनों जा रही होती है कि पास मोहल्ले की कुछ औरतें वहाँ पर जमा रहती है। अरे लाजो बहन, बहू की बहन यहीं रह रही है क्या? हाँ हाँ, इसे भी रख लिया है, अब आप तो जानती ही हैं कि हम लोगों का दिल कितना बड़ा है।